हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट सेशन मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल आपकी गुरुमा और बहुत दिन से आप लोग कह रहे थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पॉडकास्ट को लेकर आने के लिए सो हेयर वी आर स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में हमारी एक्टिविटीज में जितना भी कोऑर्डिनेशन होता है उसके लिए दो सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल हैं नंबर वन न्यूरल सिस्टम एंड नंबर टू एंडोक्राइन सिस्टम न्यूरल सिस्टम जो है इसके थ्रू जो कोऑर्डिनेशन होगा वो क्विक होगा रैपिड होगा और जो भी चीज़ जल्दी होती है वो कम देर के लिए होती है यानी शॉर्ट लास्टिंग होगा जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में हॉर्मोन्स बनेंगे ब्लड में डाले जाएंगे दूर टारगेट ऑर्गन पर भेजे जाएंगे यानी स्लो एक्टिंग है और जो भी चीज़ स्लो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है अब हम इस चैप्टर में नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन यानी नर्व सेल तो आइए पहले थोड़ी सी बात हम न्यूरॉन की करते हैं न्यूरॉन एक एनिमल सेल है यानी नॉर्मल इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और साइटोप्लाज्म होगा न्यूक्लियस होगा सभी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे नाउ न्यूरॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक न्यूरॉन की सेल बॉडी जिसे सोमा या साइटोन बोलते हैं इसमें न्यूक्लियस मिलेगा साइटोप्लाज्म मिलेगा मेजर सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे ध्यान रखिएगा सेंट्रियोल इसमें एब्सेंट या रूडिमेंट्री होता है हेंस दे डू नॉट डिवाइड नाव इसके बाद इसमें फाइबर्स मिलेंगे फाइबर्स दो तरह के होंगे जो इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे टुवर्ड्स द सेल बॉडी दे आर कॉल्ड आफ्रेंट लेकर आ रहे हैं तो आफ्रेंट यानी डेंड्राइट्स बहुत सारे होंगे और जो दूर लेकर जाएगा जो भी कुछ डिसाइड हुआ है यानी कि इपरेंट एक्सिट होगा इेंट दैट इज एक्सॉन अब आफरेंट फाइबर यानी डेंड्राइट्स और सेल बॉडी दोनों पे ही छोटे छोटे दाने दिखते हैं हमें बेसोफिलिक, बेसिक होने वाले जिन्हें कहते हैं निसल निसल्स ग्रैन्यूल पे क्वेश्चन कॉमनली आता है ये आर ई आर प्लस राइबोजोम के पीसेज हैं जो डेंड्राइड और साइल बॉडी पर मिलते हैं और इनका काम हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ स्टूडेंट ज्यादातर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मल्टीपोलर होते हैं मल्टीपोलर मतलब बहुत सारे डेंड्राइट्स एंड सिंगल एग्जॉन बट हमारे आई की रेटिना में बायपोलर न्यूरॉन्स भी मिलते हैं जिसमें वन डेंड्रॉन एंड वन एग्जॉन होता है और एम्ब्रियोनिक लाइफ में यूनिपोलर न्यूरॉन्स भी मिलते हैं जहां पे सेल बॉडी और एक टोटल मिलाकर एक सिंगल फाइबर होता है राइट इतना तो एनसीआरटी में दिया है जो नहीं दिया सुडो यूनिपोलर कहां मिलते हैं याद रख लेना स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट गैंगलियन में सुडो यूनिपोलर मिलते हैं अब अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं तो जितनी भी प्रोसेसिंग होगी इंफॉर्मेशन की वो सारी सेल बॉडी में होगी एक्सॉन की मेंब्रेन को एक्सोलेमा एक्सॉन के सा, साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहेंगे एक्सॉन में एक सराउंडिंग सेल होता है जिसे श्वान सेल कहेंगे श्वान सेल माइलिन शीत कुछ एक्सॉन्स में प्रोड्यूस करता है श्वान सेल तो सारे सारे न्यूरॉन्स में मिलेंगे अगर वो माइलिन शीत प्रोड्यूस करे तो माइलिनेटेड और नहीं करे तो अनमाइलिनेटेड। ये बात ध्यान रखना अब माइलिन शीत फॉस्फोलिपिड की बनी है स्फिंगोमाइलिन और लिपिड

ओ से ऑलिगोडेंड्रोसाइड है तो वो ओ से आउटसाइड सीएनएस नहीं मिलते बल्कि इनसाइड सीएनएस मिलते हैं थोड़ा सा उल्टी बुद्धि लगा के के हम इसे ध्यान रखेंगे अब के एंड में ब्रांचिंग होगी और ब्रांच एंड करेगा नॉब जैसे स्ट्रक्चर्स में जिन्हें सिनेप्टिक कहेंगे इनमें थैलियां हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स कहलाएंगी जिनके अंदर केमिकल भरा है जो न्यूरो ट्रांसमिटर कहलाएगा इसकी डिटेल्स अभी हम थोड़ी देर में और पढ़ेंगे यानी हमने समझ लिया कि मल्टीपल हैं सेल बॉडी साइटोन सोमा है और एक सिंगल एक्सॉन मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में निकल रहा है सराउंडेड बाय श्वान सेल्स जो माइलिन शीत बनाएंगे और माइलिन इन शीत फास्टर कंडक्शन करेगी फॉस्फोलिपिड की होने के कारण से इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण नाउ ये माइलिन इन शीत में गैप्स हैं इन गैप्स को बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवे और वहीं पर एक्चुअली जंप करती हुई इंपल्स कंडक्ट होगी सो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन बनता है लॉजिकल एनालिटिकल क्वेश्चन कि अगर माइलिन शीत कंटिन्यूअस हो जाए गैप्स ना हो या ऐसा पूछ ले कि नोड्स ऑफ रैनवियर एबसेंट है तो क्या होगा तो माय डियर स्टूडेंट इंपल्स जनरेशन इंपल्स कंडक्शन नहीं होगा इट विल स्टॉप अगर नोड ऑफ रैनवियर नहीं हुए तो अब थोड़ी सी बात हम आगे बढ़ाते हैं ये हमने न्यूरॉन की बात की जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे हाइड्रा उसमें बस एक न्यूरॉन्स का जाल है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है बहुत ही लेस एडवांस नर्वस सिस्टम है बट इंसेक्ट्स में ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन गया है नाउ अब आइए हम सबसे पहले नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम एनसीआर का ही सीरियल ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो दो क्लासेस में हम डिवाइड करेंगे नंबर वन जो सेंटर में पार्ट है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा और पेरी नर्वस सिस्टम यानी जिसमें सारी नर्व्स आएंगी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है भले ही वो इन्फॉर्मेशन लेकर जा रही हो इन ऑर्गन पर या यहां से कमांड लेकर आ रही हो तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और क्रेनियल नर्व स्पाइनल नर्व सारी नर्व हो गई पेरीफेरल नर्वस सिस्टम अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को एक और तरह से क्लासिफाई करेंगे कि वो नर्व इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है टुवर्ड्स ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड या कमांड लेकर जा रही है क्योंकि जो प्रोसेसिंग होगी इंफॉर्मेशन की जो सीपीयू है एम आई डियर स्टूडेंट वो तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ऑलरेडी है ही अब अगर इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ तो सेंसरी या और कमांड लेकर जो जो जाएगी जो भी रिस्पांस डिसाइड हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर यानी मसल की तरफ या जो भी इफेक्टर ऑर्गन है उसकी तरफ तो उसे मोटर या इफरेंट नर्व कहेंगे आप इसे सेम से याद रख सकते हो सेम ट्रिक सेंसरी आफ्रेंट एंड मोटर इफरेंट डन हो गया अब यानी हमने क्या समझा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया सेंसरी या आफ्रेंड एंड मोटर या ईफ्रेंड नर्व अब मोटर नर्व भी दो तरह की होगी कि वो कमांड लेकर स्केलेटल यानी वॉलेंट्री मसल पर जा रही है या इनवॉलेंट्री मसल एंड ऑर्गन पर जा रही है अगर वॉलेंट्री मसल्स पे जाएगा तो उसे सोमैटिक मोटर नर्व कहेंगे और अगर इनवॉलेंट्री पे जाएगा तो उसे ऑटोनॉमिक मोटर नर्व्स कहेंगे यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी फिर दो तरह का हो जाएगा अगर इमरजेंसी में खबर लेकर जा रहे हैं तो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम और नॉर्मल रिलैक्स कंडीशन में नींद में सोते में आराम से बैठे हुए में जा रहे हैं तो पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम तो ध्यान रखो जब भी कोई सिंपेथेटिक नर्व बोलता है तो आपके दिमाग में समझ आना चाहिए कि सिंपेथेटिक नर्व ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब है वो नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलेंट्री मसल एंड ऑर्गन तक खबर लेकर आ रही हैं यानी ये सब मोटर नर्व्स है हो गया क्रिस्टल क्लियर चलिए स्टोरी आगे बढ़ाते हैं अब आइए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये खबर जाती कैसे है नर्व इंपल्स क्या बला है और वो कैसे जनरेट होती है और कैसे कंडक्ट होती है आइए समझते हैं देखिए स्टूडेंट्स रेस्टिंग स्टेज में क्या होगा ध्यान से समझो जो एग्जोन की मेम्ब्रेन है एग्जोलेमा वो भी तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी है यानी उसमें भी डबल लेयर फॉस्फोलिपिड्स होंगे इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक प्रोटीन सब कुछ होगा और उन्हीं में से कुछ फुल्ली एम्बेडेड इंट्रेंसिक प्रोटीन्स ही हैं जो चैनल्स की तरह काम करेंगे चैनल्स मतलब मैंने सिखाया है किसी मॉलिक्यूल को हाई टू लो लेके जाना कॉन्सेंट्रेशन बिना एटीपी खर्च करे पैसिवली और कुछ पंप होंगे पंप मतलब लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन करके एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना तो होता क्या है स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा सेल के अंदर पोटेशियम हमेशा ज्यादा होता है और बाहर कम और सेल के बाहर सोडियम ज्यादा होता है हम इसे कैसे याद रखेंगे सोडियम मतलब एन ए, आप मेन न से याद रखो मेन

अंदर कुड़ियां थोड़ी बहुत शॉपिंग को बाहर जा सकती है यानी स्लाइटली टू पोटेशियम आयन और इन कुड़ियों के बॉडी गार्ड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी सेल के अंदर है उसके लिए भी टोटली इम्परमीएबल है मैंने क्या कहा मैं फिर रिपीट करती हूं रेस्टिंग स्टेज में एक्सोलेमा टोटली इम्परमीएबल टू सोडियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड स्लाइटली परमिबल टू पोटेशियम आयन अब सोडियम के लिए इम्परमिबल है तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर आएगा नहीं और नेगेटिवली चार्ज आय जो ऑलरेडी अंदर है वो बाहर जाएंगे नहीं यानी कुल मिलाकर अंदर पॉजिटिव आ नहीं रहा अंदर से नेगेटिव जा नहीं रहा यानी अंदर नेगेटिव क्रिएट हो रहा है और कुड़िया पोटेशियम थोड़ा सा बाहर भी जा रहा है यानी कुल मिलाकर अंदर नेगेटिव आ रहा है अगर हमें गैलवेनोमीटर लगाकर चेक करें तो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ अक्रॉस द मेम्ब्रेन माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट आएगा जिसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं ध्यान रखो रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्ज है अब इसके बाद में स्टूडेंट्स इसे और ये किसके कारण क्रिएट हुआ ये जो परमिबिलिटी अभी सिखाई आपको अब इसके बाद में हमने कोई स्ट्यूमुलस दिया मान लीजिए माइनस फिफ्टी फाइव मिलीवोल्ट का स्ट्यूमुलस दिया थ्रेश होल्ड स्ट्यूमुलस दिया तो उस एरिया के सोडियम चैनल ओपन होंगे कौन ओपन होंगे सोडियम चैनल ऐसा समझ लो स्ट्यूमुलस मतलब कोई इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन हो रहा है लड़कों को अंदर एंट्री अलाउ कर दी गेट खोल दिए सोडियम चैनल ओपन हुए सोडियम कहाँ ज्यादा है बाहर ज्यादा है बाहर से अंदर घुसेगा तेजी से लड़के भागकर कॉलेज में आएंगे सेल में आएंगे यानी ध्यान से सुनिएगा

अब इस एरिए में तो पॉजिटिव चार्ज अंदर हो गया चार्ज रिवर्स हो गया इसे डीपोलराइजेशन कहेंगे पर आगे इसका आगे वाला एरिया जहां अभी भी स्ट्यूमुलस नहीं है वहां अभी भी अंदर नेगेटिव है यानी मेम्ब्रेन के अंदर देखोगे तो इस एरिया में पॉजिटिव और आगे नेगेटिव है और बाहर देखोगे तो इस एरिया में नेगेटिव और आगे पॉजिटिव है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव एक करंट बन गया बस करंट को ही कहते हैं स्टूडेंट्स नर्व इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल जो होता है प्लस थर्टी मिली वोल्ट यह क्या है करंट ये ऐसा समझ लीजिए कि लव स्टोरी शुरू हो गई है कॉलेज के अंदर अब लव स्टोरी ज्यादा दिन नहीं चल सकती है प्रिंसिपल की नजर में आ गई यानी जैसे ही स्ट्यूमुलस करेंट आगे किसका इसी एरिया के पोटेशियम गेटेड वोल्टेज गेटेड ओपन हो गए सोडियम चैनल्स बंद हो गए लड़कों की एंट्री बंद कर दी कुछ रही हैं है, तो अंदर से बाहर भागेगा सेल से बाहर जाएगा पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है इसका मतलब स्टूडेंट्स अंदर नेगेटिव फिर से बढ़ने लग जाएगा तो प्लस थर्टी से प्लस ट्वेंटी प्लस टेन जीरो माइनस करते 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 हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएंगे तो यहां क्या हो गया स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा फिर से अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव यानी रीपोलराइजेशन हो गया तो तीन स्टेजेस हैं पोलराइज्ड या रेस्टिंग स्टेज डीपोलराइज्ड यानी एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्स की स्टेज एंड रीपोलराइज्ड स्टेज डीपोलराइज्ड और रीपोलराइज दोनों में मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव है और डीपोलराइज्ड में अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव है डीपोलराइजेशन हुआ है सोडियम ओपनिंग के कारण सोडियम के इनफ्लक्स के कारण और रीपोलराइजेशन हुआ है पोटेशियम चैनल की ओपनिंग के कारण एंड पोटेशियम के ई फ्लक्स बाहर जाने के कारण से अब होता क्या है स्टूडेंट ये माइनस सेवेंटी पर नहीं रुकता ये नाइनटीन तक चला जाता है अब एक प्रॉब्लम हो गई है ध्यान से समझिएगा लड़के तो अंदर फंसे रह गए वो सोडियम तो अंदर फंसे रह गए अटक गए और लड़कियां कुड़ियां बाहर फंस गई तो हो क्या गया स्टूडेंट्स ये सब अटक गए अब इनको वापस भी तो भेजना है अपनी जगह पर वहां पर रोल आता है सोडियम पोटेशियम पंप का सोडियम पोटेशियम पंप भी उसी मेमब्रेन के इंट्रेंसिक प्रोटीन ही है पर ये पंप है ये एटीपी यूज करेगा ये लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन भेजेगा भाई सोडियम हमेशा सेल के बाहर ज्यादा होता है तो सोडियम अंदर से बाहर जाएगा हम चाहते भी हैं जो अंदर फंसे लड़के हैं वो बाहर चले जाए और पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा होता है बाहर कम होता है यहां बाहर से अंदर आएगा हम चाहते भी हैं कि वो पोटेशियम अंदर आ जाए यानी कि अब सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा इसकी ट्रिक ध्यान रखिएगा नोकिया थ्री टू वन नोकिया एनओ मतलब सोडियम आउट जाएगा के आई यानी पोटेशियम इन अंदर आएगा और ए मतलब ए यूज होगी थ्री टू वन का मतलब सोडियम थ्री बाहर जाएंगे पोटेशियम टू अंदर आएंगे और ए टीपी वन यूज होगी नो क्या थ्री टू वन हो गया अच्छे से क्लियर तो ये करंट बनता जा रहा है और ये करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा अब स्टूडेंट जब ये एंड में पहुंच जाएगा अब इसे नेक्स्ट न्यूरॉन पे ट्रांसफर होना है यानी उसके डेंड्राइड पे ट्रांसफर होना है इसे कहेंगे साइन तो आइए अब हम समझते हैं कंडक्शन थ्रू साइन तो तो ये तो हमने बात की नर्व इंपल्स क्या होता है उसकी जनरेशन की बात की कौन सा चैनल कब ओपन होता है वो सारी बात की और करेंट कैसे बनता है वो समझा अब इसके बाद इम, साइनाप्स का मतलब होता है वन न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन पर जाना ये दो तरह का हो सकता है इलेक्ट्रिक या केमिकल साइनाप्स इस उस पर भी पीवाई क्यू अभी रिसेंट ईयर में भी आया हुआ है इलेक्ट्रिक का मतलब ये है कि एक न्यूरॉन से दूसरे पर जाना है तो जिस से जाना है वो प्री साइनेप्टिक हो गया जिस पर जाना है वो पोस्ट साइनाप्टिक हो गया इतना तो क्लियर है इनके बीच में क्लोज प्रॉक्सिमिटी है पास पास ही है ऐसा समझ लो एक ही न्यूरॉन हो जैसे यानी कोई साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं है बीच में कोई खाई नहीं है बहुत फास्ट कंडक्शन होगा और ऐसा लगेगा जैसे बस एक ही न्यूरॉन में ही कंडक्शन हो रहा हो वैसा ही लगेगा हमें पर ऐसे साइनाप्स हमारे बॉडी में रेयर होते हैं बस सेंस ऑर्गन्स में ही कहीं कहीं होते हैं यानी ये रेयर है बट फास्ट कंडक्शन है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ऐसा लग रहा है एक ही न्यूरोन के अंदर ही कंडक्शन होना है बट मोस्ट ऑफ द साइनाप्स हमारे में केमिकल होते हैं जहां पर प्री और पोस्ट के बीच में खाई होती है जिसे क्लेफ्ट बोलते हैं अब होता क्या है समझिएगा जो प्री न्यूरॉन है वहां पे जो एक्सॉन का एंड है साइनाप्टिक नॉब वहां पे थैलियां भरी है मैंने आपसे कहा था साइनेप्टिक वेसिकल्स उनमें केमिकल्स भरे न्यूरो ट्रांसमिटर जैसे ही ये करेंट एंड तक आता है एग्जॉन के वैसे ये साइनेप्टिक वेसिकल्स बर्स्ट हो जाते हैं और जितना भी न्यूरो केमिकल भरा है वो साइनाप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है और उनके लिए रिसेप्टर मौजूद है पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन पे तो वो न्यूरो इस पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पर अटैच हो जाता है और इस तरह से अब वहां के सोडियम चैनल्स खुलेंगे वहां डीपोलराइजेशन होगा और करंट जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा हो सकता है कि ये न्यूरो ट्रांसमिटर इनहेबिटरी भी हो यानी आगे इंपल्स कंडक्शन को रोक दे कैसे उस इस पॉडकास्ट में डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं बट दे मे बी एक्साइटेटरी और दे मे बी इनहिबिटरी डन तो इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे दूसरे से तीसरे इंपल्स कंडक्शन होता जाएगा और अगर आखिरी में मसल आ गई है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम इसे कह देते हैं जो हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी समझा था ऑल डन केमिकल साइन वगैरह सब क्लियर हो गया न्यूरो ट्रांसमीटर का रोल साइनेप्टिक लेफ्ट का रोल रिसेप्टर्स ऑन पोस्ट न्यू साइनाप्टिक मेमरी ये सारे शब्द केमिकल साइन के साथ रिलेटेड हैं थोड़ा टाइम लगेगा इसमें ये स्लोअर होगा बट मोर कॉमन होता है एक और मज़ेदार पॉइंट होता है स्टूडेंट्स कि केमिकल साइन से यूनी फ्लो होगा वो इसीलिए क्योंकि प्री वाले से केमिकल निकलेगा न्यूरो और पोस्ट वाले पर ही मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर होगा कभी उल्टी गंगा या नहीं बहेगी जो इलेक्ट्रिकल में होने का चांस होता है सो so, यहां पर हमने जेनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स को कंप्लीट किया हम क्लासिफिकेशन देख चुके हैं आइए अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले ब्रेन की बात करते हैं ब्रेन आप जानते हैं स्टूडेंट्स ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फोर ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो इसका लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम है जो दो हेमिस्फीयर आधे-आधे हैं यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर और वो अखरोट जैसा दिखता है मतलब उसमें कुछ उभार हैं एलिवेशन है और उसके कारण गड्ढे बन रहे हैं उभार को गायरस या गायराई बोलते हैं बहुवचन और गड्ढों को सलकाई या सलकस पता है मैं कैसे याद रखती हूं कहते हैं ना मैं अपने अंदर डूब रही हूं सल्क हो रही हूँ तो सलकाई गड्ढे हैं डिप्रेशन है और एलिवेशन गायराय हो गए ठीक है अब ये जो सेम है प्लस थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ये फोर ब्रेन बनाता है इतना एनसीआर लिखती है एक्चुअली सेरिब्रम ऑल लोब्स एपीथैलिमस थेमस जिसको मिला के डायन सेफिलॉन बोलते हैं इसे टोटल फोर ब्रेन बोलते हैं बट वील गो बाय तो सेरिब्रम एनसीआर एंड हाइपोथैलेमस फॉर्म्स द फोर ब्रेन अब ये जो ब्रेन है स्टूडेंट इसका आउटर पार्ट में ग्रे मैटर यानी सेल बॉडीज का ग्रुप होता है जो ग्रेश के कारण ग्रे मैटर कहलाता है और इनर की तरफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं माइलिन के कारण व्हाइटिश दिखते हैं तो उसे व्हाइट मैटर बोलते हैं नाउ ये जो ग्रे मैटर है इसे ही सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं यही सेल बॉडीज है यही सारी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होने वाली है अब ये जो ग्रे मैटर है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसमें सेंटर्स होते हैं जैसे सबसे पीछे आई के लिए ऑप्टिक सेंटर है तो हमारी आंख से जो भी सिग्नल जाएगा यही जाएगा यही उसकी प्रोसेसिंग होगी ऑक्सीपिटल लोब के अंदर कान या आए तो इसके ठीक ऊपर टेम्पोरल एरिया में कान और नाक ऑल और ऑडिटरी सेंटर्स होते हैं इसके अलावा ये पेराइटल एरिया में पी से पेराइटल तो पी से पेन प्रेशर टच और टच मतलब जबान पे भी टच होता है तो टंग यानी टेस्ट रिसेप्टर्स वो सब यहां होते हैं और फ्रंटल लो फ्रंटल एरिया में मोटर प्री मोटर यानी जितने भी कमांड जो यहां से जाएंगे इधर से ही पहुंचेंगे और जितने भी हायर सेंटर्स इंटेलिजेंस विजडम सही गलत सोचना वो सारे सेंटर्स होते हैं यानी कि हमारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर विजन हियरिंग ऑल्फैक्ट्री टेस्ट हायर सेंटर्स मोटर एरियाज वो सब होते हैं तो कुछ तो सेंसरी एरियाज हैं जहां खबर आ रही है कुछ मोटर एरियाज हैं जहां से खबर जा रही है और कुछ एसोसिएशन एरियाज हैं एसोसिएशन एरियाज क्या होते हैं नाइदर मोटर नॉट सेंसरी इसका क्या मतलब है उनके तीन काम होते हैं माइक से याद रखो एम आई सी यानी मेमोरी एसोसिएशन एंड कम्युनिकेशन मतलब एसोसिएशन मतलब हम एक बार में सिर्फ सुन नहीं रहे हम सुन भी रहे देख भी रहे बोल भी रहे समझ भी रहे इन सब सबके बीच में कोऑर्डिनेशन करना तो मोटर एरिया सेंसरी एरिया एंड एसोसिएशन एरिया एसोसिएशन एरिया का काम हो गया एम आई सी माइक माइक मतलब इंटर सेंसरी एसोसिएशन एंड कम्युनिकेशन ठीक है अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं अब पहले मैं बात कर लेती हूं आ, ये तो हमने सेरीब्रम की बात कर ली जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है टू थर्ड एरिया यही ऑक्यूपाई करता है अब एपीथैलिमस एनसीआरटी में नहीं दिया बट एपी में पीनियल ग्लैंड होगा जहां से मिलाटोन हार्मोन बनेगा और थैलेमस रिले सेंटर है थैलेमस सेरीब्रम को मिड ब्रेन से कनेक्ट करेगा थैलेमस जो है वो मेजर पार्ट है डायनसेफिलॉन का थैलेमस रिले सेंटर है जो भी खबर मिड ब्रेन से सेरिब्रम या सेरिब्रम से मिड ब्रेन में आनी है थैलेमस के थ्रू ही आएगी रिले एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस तो आप जानते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है हमारी भूख प्यास यानी थर्स्ट एपेटाइट सेंटर यही होता है हम जो अपने बॉडी का टेम्परेचर थर्टी डिग्री मेंटेन करते हैं थर्मोस्टार्ट ऑफ द बॉडी नीड का फेवरेट क्वेश्चन वो हाइपोथैलेमस में होता है इसके अलावा हाइपोथैलेमस में कुछ सेल्स हैं न्यूरॉन्स जो हार्मोन्स बनाते हैं न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स जो रिलीजिंग एंड इनिबिटरी हार्मोन्स बनाते हैं जिसे हम अगले चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे तो हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है और हाइपोथैलेमस कनेक्टेड होगा पिट्यूटरी से इन्फंडिबुल एक नर्व ट्रैक के थ्रू इसी तरह दोनों सेरिब्रल हेमिसर के बीच में भी एक गड्ढा होता है जहां पर एक नर्व ट्रैक है जिसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम स्टूडेंट हमारी राइट right बॉडी को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिसफियर कंट्रोल करता है लेफ्ट वाली को राइट right, और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन इसी कॉर्पस कैलोसम के कारण है जो केवल मैमल्स में पाया जाता है डन सो so, ये सारी बातें हमने करी आ, फोर ब्रेन की इसके अलावा इसमें वेंट्रिकल्स भी मिलते हैं जहां सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड भरा है फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल मिलता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर में और थर्ड वेंट्रिकल डायोसील मिलती है डायन सेफिलॉन वाले एरिया में चलिए अब मिड ब्रेन पर आ जाते हैं मिड ब्रेन जो है स्टूडेंट्स वो थैलेमस को पॉन्स से कनेक्ट करेगा क्योंकि इसके ठीक नीचे हाइंड ब्रेन का पॉन्स होगा

ब्रेन यानी सेरिब्रम को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करेगा क्योंकि मेड्यूला के बाद स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी पॉन्स में आप जानते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है मैं में पढ़ा चुकी हूं। और मेड्यूला तो में लिख देते हैं यहां तीन दिए आपको याद है वैसे तो हमारा हार्ट मायोजेनिकोड है, है पेसमेकर उसकी हार्ट रेट हम कम ज्यादा कर सकते हैं इसी मेड्यूलरी सेंटर से एंड थर्ड गैस्ट्रिक सिक्रीशन गैस्ट्रिक जूसेस जितने भी बन रहे हैं उनके सिक्रीशन का सेंटर भी यही है इसके अलावा वॉमिटिंग सेंटर स्नीजिंग सेंटर कफिंग सेंटर योनिंग सेंटर सारे सेंटर्स मड्यूला में तभी तो जब मेड्यूला में चोट पड़ती है पिक्चरों में तो एकदम से डेथ हो जाती है अब सेरी बेलम दो हेमिस्फीयर के रूप में साइड्स में है इसका सरफेस भी कॉन्व्यूलेटेड घुमावदार है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए मोर एंड मोर न्यूरॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन दिस इसके अलावा स्टूडेंट इसका सैरी बैलम का मेन काम होता है बैलेंस ऑफ द बॉडी जब चक्कर आते हैं तो सबसे पहले कान वाले डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके बाद अगर ठीक ना हो या प्रॉब्लम ना निकले तो सैरी बैलम को चेक करते हैं यानी न्यूरोफिजिशियन के पास जाते हैं इन सब में ग्रे मैटर बाहर है और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ है एल्कोहलिक्स में भी सबसे पहले डैमेज सैरी बैलम होता है इसीलिए बैलेंस गड़बड़ाता है इसीलिए जबान लड़खड़ाती है और चाल शराबी हो जाती है सो ये हमने सारी बात कर दी है मेजर मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ब्रेन की चलिए स्टोरी आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स और अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है बहुत सिंपल मतलब होता है आंख में कुछ गया पलक झपक गई रिफ्लेक्स एक्शन मुंह में कुछ गया छींक आ गई नाक में कुछ ग... नाक में कुछ गया छींक आ गई मुंह में कुछ गया खांसी आ गई गरम गरम भगौनी पे हाथ लगा अपने आप से हाथ हट गया ये सब रिफ्लेक्स एक्शन यानी सडन इनवॉलेंट्री एक्शन जो होता है पलक झपकते इस बिना सोचे समझे इनवॉलेंट्री दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर होगा स्टूडेंट्स कैसे होगा ध्यान से समझिएगा सबसे पहले एक सेंस ऑर्गन होगा वहां से सेंसरी नर्व निकलेगी यानी आफरेंट नर्व निकलेगी स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व में इसे हम कहेंगे डॉर्सल वाली ये पीछे की तरफ वाला पार्ट होता है डॉर्सल रूट ये सेंसरी है आफरेंट है इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में और न्यूरॉन्स पर ये खबर पहुंचाई जाएगी प्रोसेसिंग होगी जिन्हें इंटर न्यूरॉन्स कहेंगे और वहां से फिर कमांड लेके रिस्पॉन्स के लिए कमांड लेके वेंट्रल रूट निकलेगी जो मोटर या इंट कहलाएगी और फिर इफेक्टर ऑर्गन जो भी मसल है या ग्लैंड है फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे हाथ हटाना है तो किस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है वो सारा कमांड पहुंचेगा यानी एक है सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर फिर डॉर्सल रूट सेंसरी या आफरेंट फिर इंटर न्यूरॉन फिर मोटर इफरेंट या वेंट्रल रूट और फिर इफेक्टर ऑर्गन ये पांच जो पूरा पाथवे बनता है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क और एक्शन होगा रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन जन्मजात होते हैं जैसे खांसना ब्लिंक करना दीज आर ऑल रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन एक्शन इन बॉर्न कंजेनाइटल बाय बर्थ बट सीखे जा सकते हैं जैसे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो शुरू शुरू में बड़ा ध्यान रखते हैं बाद में तो गाना गाते रहते हैं और गाड़ी अपने आप चलती है ब्रेक एक्सिलोरेटर अपने आप ऑपरेट होता है ये रिफ्लेक्स डेवलप हो गया हम कहते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन कैन बी एक्वायर्ड और लर्न इट जैसे निटिंग गोलकीपिंग टाइपिंग डांसिंग एक्सेट्रा ड्राइविंग एक्सेट्रा दिस इज अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन मजे आ रहे कंटिन्यू करें चलिए स्टूडेंट एक बात जो हमें और ध्यान रखनी है वो है मेनेंजेस ब्रेन में मेनेंजेस होंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग्स आउटर टू इनर और इनर टू आउटर इनका सीरियल ऑर्डर में पूछते हैं आप आउटर से इन डैप याद रखो यानी ड्यूरा मैटर 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 एरेक्नोइड एंड पाया यानी ब्रेन टिश्यू के ठीक ऊपर जस्ट क्लोजली एसोसिएटेड जो होगी वो पाया मैटर है एक्चुअली ड्यूरा मतलब ड्यूरेबल और ड्यूरेबल चीज तो सबसे बाहर ही होगी ये टफ थिक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग है ड्यूरा मैटर एरेक्नोइड मैटर मिडिल में है वेरी थिन एंड पाया मैटर जो है वो भी सॉफ्ट होती है वस्कुलर होती है इन क्लोज कनेक्शन विद द ब्रेन टिश्यू अब आइए स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं एंड दैट इज द सेंस ऑर्गन सेंस ऑर्गन में पहले ऑल्फैक्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हमारे नोज के अपर रूफ पर ऑल्फैक्ट्री एरिया है ऑल्फैक्ट्री रीजन जहां पर म्यूकस कोटेड सेंसिटिव हेयर सेल्स है यही कारण है कि जब हमें बहुत जुखाम हो जाता है बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है तो जो भी हवा में घुला हुआ सब्सटेंस है वॉलिटाइल सब्सटेंस है वो इन हेयर सेल्स तक पहुंचता नहीं है और हमें खुशबू या बदबू यानी सेंस ऑफ स्मेल हमारा लूज हो जाता है तो ध्यान रखना म्यूकस कोटेड सेंसिटिव हेयर सेल्स हैं और इसमें नोज uh, uh, के बाद जो है नेक्स्ट uh, टेस्ट और टच की अगर हम बात करें तो टेस्ट में टंग के डॉर्सल सरफेस पर डाइजेस्टिव सिस्टम में बताए पैपिले उभार प्रोजेक्शंस हैं जिनपे टेस्ट बड्स है और स्किन पर टच यानि टच थोड़ा और डीप किया तो प्रेशर और डीप किया तो पेन ये सारे रिसेप्टर्स हैं इनमें से स्टूडेंट्स टच के और टेस्ट के रिसेप्टर्स जो हैं वो सॉरी नोज uh, uh, के आई एम सॉरी नोज के यानी ऑल फैक्ट्री एंड टेस्ट के ये केमिकल रिसेप्टर्स हैं और टेस्ट के, के जो मैं कह रही थी वो केमिकल नहीं बट क्लोज कॉन्टैक्ट में आने पर ही रिसीव करते हैं ये हम जानते हैं बट हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है हमारी खूबसूरत आंखें और हमारे तेज कान यानी आई एंड ईयर तो आई आई से शुरू करते हैं आई फोटो रिसेप्टर है इसके कारण ही हम खूबसूरत खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं आई हमारे स्कल के अंदर गड्ढे सॉकेट्स हैं ऑर्बिट्स उनके अंदर धंसी हुई है नियरली स्फेरिकल बॉल जैसी है नाउ आई में थ्री मेन लेयर्स हैं आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा है स्क्लेरा का एंटीरियर पार्ट कॉर्निया है कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है ए वस्कुलर है ब्लड सप्लाई नहीं है इसीलिए कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन ईजी होता है नीट में पूछा जाता है नाउ कॉर्निया फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस होगा जहां लाइट का पहला रिफ्रैक्शन भी होगा जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है इसके बाद मिडिल लेयर है कोरोइड कोरोइड लेयर पोस्टीरियर टू थर्ड में तो थिन है ब्लूइश है पिगमेंटेड यानी ब्लूइश है वस्कुलर है इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बचाती है और एंटीरियर पार्ट में बल्ज आउट हो जाएगी जिसे सीलियरी बॉडी कहेंगे और फिर सीलियरी बॉडी और आगे की तरफ ओपेक पिगमेंटेड एरिया बनाएगी डायफ्राम शटर की तरह जिसे आयरस कहेंगे ये ही है जो हमारी आंखों का कलर्ड विजिबल पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ना कंजी आंखें नीली आंखें भूरी आंखें काली आंखें ये वो पार्ट है और आयरस के बीच में जो छेद है होल है गैप है उसे प्यूपल बोलते हैं प्यूपल का डायमीटर इज डिसाइडेड बाय द आयरिस मसल माई डियर स्टूडेंट और आयरिस की मसल प्यूपल का डायमीटर डिसाइड करेंगे एंड प्यूपल का डायमीटर डिसाइड करेगा कंट्रोल करेगा हाउ मच लाइट इज एंट्रिंग इन टू द ध्यान रखिएगा स्टूडेंट जब हम तेज रोशनी में जाते हैं तो हम ऐसे यू करते हैं हमारी प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है और जब हम थिएटर में अंधेरे में जाते हैं तो हम आंखें ऐसे फाड़ फाड़ के देखते हैं हमारा प्यूपल डायलेट हो जाता है सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इसके बाद में यहां पर एक लेंस है लेंस जो है माय डियर स्टूडेंट वो सीलियरी मसल के साथ कनेक्टेड सीलियरी बॉडी के साथ कनेक्टेड है बाय लिगामेंट सस्पेंसरी लिगामेंट्स लेंस बाय कॉनवेक्स है क्रिस्टलाइन है प्रोटीन का बना हुआ है सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस है लेंस की फोकल लेंथ को हम कम ज्यादा कर सकते हैं और इसी इसके कारण से हम दूर और पास दोनों का देख पाते हैं कैटेक्ट मोतिया में यही लेंस ओपेक हो जाता है और इसीलिए विजन प्रॉब्लम होती है और फिर लेंस को निकालकर दूसरा लेंस लेंस प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है कॉर्निया से लेके लेंस का ये जो पूरा एरिया है इस चेंबर को एक्वस चेंबर बोलते हैं पानी जैसा वॉटरी फ्लूड भरा है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं नाउ लास्ट इनर मोस्ट लेयर जो है वो है रेटिना रेटिना फोटो सेंसिटिव है रेटिना पर ही लाइट फॉल होगी तभी जाकर इमेज बनेगी अभी हम देखेंगे तो लेंस और कॉर्निया के बीच में एक्वस ह्यूमर भरा है पानी जैसा पर लेंस और रेटिना के बीच में विट्रियस जहां जेली जैसा विट्रियस ह्यूमर भरा हुआ है जो आई बॉल को फुला कर रखता है नाउ रेटिना की अगर मैं बात करूं ध्यान से सुनिएगा रेटिना में एक पोस्टीरियर पोल होगा और पोस्टीरियर पोल के एनसीआरटी लिखती है अबव एंड मिडियल पोस्टीरियर पोल के अबव एंड मिडियल एक ब्लाइंड स्पॉट है ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी फोटो सेंसिटिव सेल रॉड कों नहीं है इसीलिए अगर यहां लाइट पड़ेगी तो इमेज नहीं बनेगी इसीलिए ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं यहीं से रेटिनल वेसल्स की एंट्री होगी यानी आर्टरी एंटर करेगी वेन्स एग्जिट करेंगी, करेंगी। यहीं से ऑप्टिक नर्व जो आई के सेंसेशंस लेकर ब्रेन के सेरिब्रल सेंटेक्स में जाएगी विजन सेंटर पर विजुअल पर वो भी यहीं से एग्जिट करेगी तो ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई रेटिनल वेसल्स एंटर द आई एट द ब्लाइंड स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट जहां पर ना रॉड है ना कोन है कोई इमेज नहीं बनेगी इसीलिए ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन इसी ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट बिलो एंड लेटरली uh, है एक गड्ढा एक येलो पिगमेंटेड एरिया जिसे मैक्यूला कहते हैं और उसमें जो गड्ढा है सेंट्रल पिट उसे फोविया कहते हैं यहां पर ओनली कोन्स बताऊंगी आपको जो ब्राइट लाइट में हमें देखने में मदद करते हैं इसीलिए यहां पर विजुअल एक्विटी रेजोल्यूशन शार्पेस्ट होता है ग्रेटेस्ट होता है सबसे प्यारी शानदार शार्पेस्ट इमेज यही बनती है अगर लाइट यहां पड़ेगी नाउ ये तो हमने ब्लाइंड स्पॉट मैक्यूला और फोविया सेंट्रालिस की बात कर ली है अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं हम रेटिना की रेटिना में फिर से फर्दर थ्री सब लेयर्स हैं ध्यान से सुनिए आउटर टू इनर इनर टू आउटर पूछते हैं सबसे पहले आउटर आउटर मतलब स्क्लेरा स्क्लेरा के बाद कोरोड और कोरोइड के बाद ये लेयर आएगी रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स की रॉड्स एंड कोन्स की रॉड और कोन्स जो है ये नॉर्मल एनिमल सेल की तरह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस सब कुछ होगा और इन पर जब लाइट पड़ती है तो सुनो क्या होता है रॉड और कोन के पास पिगमेंट होता है रॉड के पास रोडोप्सिन है कोन के पास आयोडॉपसिन है ये दोनों ही पिगमेंट प्रोटीन ऑप्सिन प्लस एल्डिहाइड के बने हुए हैं रेटिनल के जो रोडोप्सिन है उसका एल्डिहाइड जो है वो रेटिनॉल यानी विटामिन ए डेरिवेटिव है और इसीलिए विटामिन ए की कमी के कारण से रोडोप्सिन ठीक से नहीं बनता रॉड ठीक से काम नहीं करते हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देता नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है तो रॉड हमें रात में देखने में मदद करेंगे रात रात रात, रात, रात हमें रात में अंधेरे में देखने में मदद करेंगे कॉन्स हमें ब्राइट लाइट में देखने में मदद करेंगे और सी से कॉन्स सी से कलर देखने में भी कौनस मदद करते हैं कॉन्स तीन तरह के होंगे रेड ब्लू और ग्रीन जो थ्री प्राइमरी कलर्स हैं उनके लिए सेंसिटिव और इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन में होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग हजारों लाखों कलर दिखाई देते हैं नीट का फेवरेट क्वेश्चन है अगर थ्री टाइप के इक्वली स्ट्यूमुलेट हो जाए तो कौन सी लाइट दिखेगी हमें दिखेगी व्हाइट लाइट का सेंसेशन हमें फील होगा व्हाइट लाइट के रूप में दिखेगा अब रॉड और कोन्स जो है इनमें प्रोटीन है और एल्डिहाइड है होता क्या है जब इन पर लाइट पड़ती है माइडिया स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा जब इन पर लाइट पड़ती है स्ट्यूमुलस की तरह काम करती है इनका डीपोलराइजेशन होता है सोडियम आयन अंदर आएंगे डीपोलराइजेशन होगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो यह है पहली लेयर इसके इनर की तरफ है बायपोलर न्यूरॉन्स की लेयर तो जो भी एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ वो बायपोलर न्यूरॉन से होता हुआ और अब फिर है सबसे अंदर गैंगलियॉन एक लेयर गैंगलियॉन मतलब सेल बॉडीज का ग्रुप वहां पहुंचेगा और वहीं से उनके एग्जॉन्स यानी ऑप्टिक नर्व ब्लाइंड स्पॉट के थ्रू बाहर निकलेगी ब्रेन के विजुअल कॉन्टेक्ट तक जाने के लिए तो हो क्या रहा है आउटर टू इनर फोटो रिसेप्टर देन बायपोलर एंड देन इनर टू आउटर पूछेंगे तो गैंगलियनिक बायपोलर एंड देन फोटो रिसेप्टर तो मैंने तो आपको यह मैकेनिज्म ऑफ विजन भी पढ़ा दिया स्टूडेंट्स लाइट सबसे पहले रॉड कोन पे पड़ी जैसी लाइट पड़ती है उसका एल्डिहाइड और प्रोटीन ऑप्सिन डिसोसिएट होते हैं अलग होते हैं उसके कारण प्रोटीन में स्ट्रक्चरल चेंज आता है उसके कारण सोडियम चैनल ओपन होते हैं उसके कारण डीपोलराइजेशन होता है उसके कारण इंपल्स जनरेट होती है वो इंपल्स बायपोलर गैंगलियन से होती हुई ऑप्टिक नर्व से होती हुई विजुअल कॉर्टेक्स में चली जाती है दिस इज ऑल अबाउट द आई अब आइए हम आ जाते हैं हमारे कान यानी ईयर पे ईयर के दो काम है एक सुनना ऑफ कोर्स और एक बैलेंसिंग तो बैलेंसिंग बेलम का भी काम है और बैलेंसिंग ईयर का भी काम है ईयर के थ्री पार्ट्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स ईयर किस हड्डी में ये कान के ऊपर वाली टेम्पोरल एंड इंटरनल ईयर एक्सटर्नल ईयर के दो पार्ट्स हैं एक ये पिन्ना जो हमारे में जिसकी मसल रूडिमेंट्री वेस्टिजियल है और एक एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जिसमें आप लोग जॉनसन बर्ड के अलावा सब कुछ घुसाते गुछ हो पिन, पिन जो बहुत बुरी बात है पिन्ना का काम है टू कलेक्ट द साउंड वेव्स और एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटरी कैनाल या मियाटस का काम है साउंड वेव्स को आगे ट्रांसमिट करना यहाँ पे छोटे छोटे हेयर होंगे सेरियोमिनस यानी वैक्सी ग्लैंड होंगे ताकि अगर कोई डस्ट वगैरह आए तो उसे पकड़ के जर्म्स को पकड़ के और बाहर फेंक दिया जाए आउट ऑफ द ईयर इसके बाद मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के बीच में ईयर ड्रम जिसे कान का पर्दा कहते हैं यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है माय डियर स्टूडेंट्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे स्किन और इनर साइड पर म्यूकस मेम्ब्रेन है मिडिल ईयर एक हवा फील्ड एयर फील्ड कैविटी जिसे टिम्पैन बोलते हैं यहां से यूस्टेशन ट्यूब फैरिंग्स की तरफ जाता है और इसका काम है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ प्रेशर को इक्वलाइज करना ताकि कहीं ज्यादा प्रेशर से कान का पर्दा फट नहीं जाए इसके अलावा मिडिल ईयर में तीन हड्डियां मिलेंगी थ्री ईयर ऑसिकल्स हमने लोकोमोशन मूवमेंट में भी पढ़ा है आउटर टू इनर जाओगे तो मिस यानी मैलियस इनकस और स्टेपीज इनका काम है कि जो भी इनर ईयर तक साउंड वेव्स जा रही है उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देना एफिशियंसी ऑफ इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देना सो so, पिन्ना ने साउंड वेव्स कलेक्ट की एक्सटर्नल ऑडिटरी मेएटस ने उसे आगे कंडक्ट किया टिंपैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम पर वाइब्रेशंस आए वो मैलियस इनका स्टेपीस से होते हुए ये स्टेपीस कनेक्टेड है ओवल विंडो वहां पर पहुंच गए वहां से कनेक्टेड होगा इंटरनल ईयर इंटरनल ईयर के टू पार्ट्स हैं आपको जस्ट समझाती हूं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा पहला पार्ट जो कॉइल्ड लोअर एरिया है लोअर में कॉइल्ड पार्ट इसे कॉक्लिया कहते हैं इसे जब ओपन करोगे तो क्या दिखेगा आपको दो मेम्ब्रेन दिखेंगी अपर रीजनर मेम्ब्रेन एंड लोअर बेसिलर मेम्ब्रेन यानी थ्री कंपार्टमेंट्स हो गए हैं स्केला वेस्टिबुला स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनाय मैं बड़ा कंफ्यूज होती थी वेस्टिबुलाय और टिम्पेनाय में से कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे तो मैंने वीटी स्टेशन से याद रखा है बॉम्बे में वीटी यानी वे, ऊपर है और टिम्पेनाय नीचे वाला है यह आपस में भी इंटरकनेक्टेड है और जो बेसिलर है उस पर सेंसेटिव पार्ट है ऑर्गन ऑफ कोटा है इसमें हेयर सेल्स हैं जिनमें स्टीरियोसिलिया हैं और इसी बेसिलर से एक इलास्टिक थिन टेक्टोरियल मेंब्रेन है जो हेयर सेल ये स्टीरियोसिलिया को प्रेस करती है तो जो वाइब्रेशन साउंड पहुंची कहां पे स्टेपीज तक स्टेपीज से ओवल विंडो पर ओवल विंडो के बाद जो अपर और लोअर चेम्बर है वेस्टिबुल्पना है वहां पे पेरी लिम्फ भरा है मिडिल चेम्बर में एंडो लिम्फ भरा है लिक्विड भरा हुआ है उनमें वेव्स आई उनमें वाइब्रेशन हुए वो वाइब्रेशन अपर मेंब्रेन में आए लोअर मेम्रेन में आए यानी बेसिलर मेंब्रेन पे आए जब बेसिलर मेम्रेन पे वाइब्रेशन आए तो वो टेक्टोरियल इलास्टिक मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करेगी और उसके कारण प्रेस होंगे हेयर सेल के और उसके कारण वो एक स्टूमुलस की तरफ बिहेव करेगा हेयर सेल्स का डीपोलराइजेशन होगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा जो एड क्रेनियल नर्व ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स से टेम्पोरल लोब में जो एरिया है वहां पर जाके फिर हमारी पूर्व की मेमोरी एक्सपीरियंस के आधार पे उसकी प्रोसेसिंग होगी कि किसकी आवाज है कहां से आ रही है क्या रिस्पांस देना है एक्सेट्रा सो ये जो लोअर कॉइल्ड पोर्शन है ये कॉकलिया ये हियरिंग से रिलेटेड है और इसका सेंसिटिव पार्ट ऑर्गन ऑफ कोटाए है लेकिन अपर में जो पार्ट है उसे वेस्टिबुलर अपरेटस बोलते हैं जो बैलेंसिंग से रिलेटेड है इसमें भी दो पार्ट्स हो गए एक थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो एट 90 डिग्री टू ईच अदर हैं राइट एंगल्स टू ईच अदर इनमें जो मेम्ब्रेनस पार्ट है उसमें एंडोलिम भरा हुआ है और बाहर बोनी पार्ट है पेरिलिम्फ भरा है ये थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल का एक फूला हुआ पार्ट होता है तीनों में एक-एक यानी टोटल तीन इसे एम्पुला बोलते हैं और इसमें कुभार है है यानी सेंसिटिव पार्ट जिसे क्रिस्टा हैिस्टा बोलते हैं तो होता क्या है स्टूडेंट्स जब हम ऐसे ऐसे मूव करते हैं डायनेमिक बैलेंस डांस करते हैं तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर का फ्लूड मूव करता है और उसके कारण एम्पुला में जो क्रिस्टा एम्पोलैरिस जगह है जहां पर सेंसिटिव हेयर सेल्स हैं वो प्रेस होते हैं और जब वो प्रेस होते हैं तो उनका डीपोलराइजेशन होता है और वही एनियल नर्व ही ब्रेन में लेकर जाती है कमांड

थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल हो गई और वन अट्रिक और वन सैक्यूल यानी टोटल वन ऑटोलिथ ऑर्गन हो गया और दोनों में एक एक यानी दो मैक्यूला हो गए अगेन वही कहानी है जब हम सर ऐसे हिलाएंगे या ऐसे झुकेंगे यानी विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी खड़े खड़े जो बैलेंस हो रहा है बॉडी का सिर्फ गर्दन या कमर झुकाने पर स्टैटिक बैलेंस वो इनके कारण होता है इनमें एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पत्थर होते हैं तो जब हम मूवमेंट करते हैं तो ये स्टोन्स मूव करते हैं और उसके कारण से जो इनके स्टीरियोसीलिया है डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल और एर्थ क्रेनियल नर्व से फिर खबर ब्रेन में जाएगी तो ध्यान रखो कॉकलिया जो है वो हियरिंग पार्ट है वेस्टिबुलर अपेरेटस जो है वो बैलेंसिंग पार्ट है कॉकलिया का सेंसिटिव पार्ट ऑर्गन ऑफ कोटाई है और वेस्टिबुलर अपेरेटस में थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल जिसका सेंसिटिव पार्ट क्रिस्टा और वन यूट्रिकल वन सेक्यूल जिनके सेंसिटिव पार्ट मैक्यूला और ये सब बैलेंस के लिए जिम्मेदार है सेमी सर्कुलर कैनाल डायनेमिक बैलेंस के लिए और अट्रिकल सेक्यूल ऑर्गन जो है वो स्टैटिक बैलेंस के लिए तो ध्यान रखना माइडिया स्टूडेंट्स अगर हाथ से कोई बोले कि तुम्हारे दिमाग में पत्थर पड़े हुए हैं तो कहना दिमाग में तो नहीं पर कान में जरूर पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट चूने के सो so, इसके साथ ही हमने मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को भी ऑफकोर्स कंप्लीट कर लिया सो विद दिस वी कंप्लीट द पॉडकास्ट ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आई होप आप सब कुछ विजुअलाइज कर पाए हैं अब एनसीआर पढ़िएगा आपके लिए बिल्कुल हलवे की तरह होगी और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में वेरी वेरी हैप्पी लर्निंग एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स गॉड ब्लेस यू